पाकिस्तान न्यूज में मैं अपने से आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी हम खड़े हैं गोलीबार चौक में, नागपुर के गोलीबार चौक का एरिया है ना, बोलिए। और यहाँ पर जो सरकार की तरफ से शिव भोज के लिए जो गाइडलाइन मिली थी, तो पहले यहाँ पर कितना 5 रुपये लिया जाता था ना, पहले यहाँ पर 5 रुपये लिया जाता था, लेकिन सरकार की गाइडलाइन आने के बाद में अभी यहाँ पर बिल्कुल फ्री में शिव भोजन दिया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर पब्लिक की काफ़ी लंबी कतार है, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर कितनी लंबी कतारें हैं, देखिए कितनी लंबी कतारें हैं यहाँ पर। देखिए कतार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, इतने दूर तक कितनी लंबी कतारें हैं यहाँ पर। आप कहाँ से आए? नागपुर से आप? तो यहाँ पर खाना भी आपको कैसा, पैसे लेके दिया जा रहा है या फ्री में दिया जा रहा है? फ्री में दिया जा रहा। आइए जानते हैं अब इसके जो प्रायोजक हैं, हम शिव भोजन जो चला रहे हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि ये शिव भोजन सुबह कितने बजे से स्टार्ट होता है, कितने बजे तक खत्म होता है, और कितने लोगों की इसके अंदर कैपेसिटी है। हाँ तो सर जी बताइए कि ये जो शिव भोजन चला रहे हैं, तो उनका नाम बताइए कौन है? अध्यक्ष यशवंत पांडे जी। तो सर ये शिव भोजन कितने बजे से सुबह स्टार्ट होता है? 11 बजे। सुबह 11 बजे से। और ये अभी आप शिव भोजन पहले 5 रुपये या 10 रुपये में देते थे? 5 रुपये में गरीबों के लिए। और अभी सरकार की गाइडलाइन आने के बाद में ये आप शिव भोजन फ्री में कब से दे रहे हैं यहाँ पर पब्लिक को? लॉकडाउन से। तो आप कितने लोगों को मतलब यहाँ पर मतलब शिव भोजन देते हैं? 150 लोगों को। और कितने बजे तक चालू रहता है ये कार्यक्रम सर? 4 बजे तक का टाइम है, लेकिन 150 लोग हमारे 1 घंटे में हो जाते। 4 बजे तक टाइम है, बाकी 150 लोग 1 घंटे में हो जाते। तो ये जो इतनी यहाँ पर लंबी कतारें हम जो देख रहे हैं, बहुत लंबी कतार लगी हुई है, तो इसके अंदर क्या कुछ आपको परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है? परेशानी का सामने बड़ी, लोग सुनते नहीं है कुछ, नहीं मास्क नहीं बांधते, कोई बांधते नहीं कुछ नहीं। हाँ तो जो सरकार से एक निवेदन है कि थाली बढ़ाने को ना, क्योंकि इतने लोग खड़े रहते हैं। हाँ जी, सबको मिलता नहीं, 150 लोग का दिया है तो 150 लोगों के ऊपर इन्होंने प्लेट बढ़ाने को। हाँ तो मतलब आपको ये कहना है सरकार से, प्रशासन से, कि पब्लिक ज़्यादा है और थाली कम पड़ रही है, तो आप सरकार को क्या मैसेज देने जाएंगे इस बारे में? थाली बढ़ाने के लिए। और जो मास्क पहन के नहीं आ रहा, तो आप उसको भोजन दे रहे हैं या नहीं दे रहे? नहीं, बिना मास्क वाले को भोजन नहीं दे रहे आप? बिना मास्क वाले को भोजन नहीं। तो अब ये समय देख रहा हूँ, इसके अंदर तो बहुत से लोग जैसा बिना मास्क के खड़े हैं यहाँ पर, देखो वो है, ये है, यहाँ तक कहेंगे यहाँ से उनको वापस कर देंगे, यहाँ से उनको वापस कर दिया जाएगा। तो जिनके मुँह पे मास्क है उन्हीं को दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद। आइए अब हम गोलीबार चौक के दूसरे हिस्से में जाते हैं। यहाँ पर अक्षय ताजी सर है जो इस शिव भोजन को चला रहे हैं, और यहाँ पर भी हमने देखा कि बहुत लंबी कतार है, और यहाँ पर भी पब्लिक को शिव भोजन है जो पहले 5 रुपये में दिया जाता था, आज इनको फ्री में दिया जा रहा है। तो राजनी सर जरा 1 मिनट आइए आप इधर। सर आप ये बताइए सर कि पहले यहाँ पर भोजन आप 5 रुपये में देते थे? हाँ। गरीब लोगों को? हाँ। और ये अभी जो भोजन की जो इतनी लंबी कतार हम देख रहे हैं सर। हाँ। तो अभी क्या आप इनको पैसे लेके दे रहे हैं या फ्री में दे रहे हैं? फ्री में दे रहे हैं। तो आप ये फ्री में कब से दे रहे हैं सर, कितना दिन हो गया? ये अभी 2 दिन हो गया फ्री से। 2 दिन हो गया, नहीं जब सरकार की गाइडलाइन आई, गाइडलाइन आने के बाद से फ्री में दे रहे हैं। जब सरकार की गाइडलाइन आने के बाद में आप फ्री में दे रहे हैं? हाँ। तो सर आप सुबह कितने बजे चालू करते हैं प्रोग्राम? 11 बजे से। कितने? 11 बजे से। 11 बजे से। और कितने बजे तक रहता सर प्रोग्राम? 2 बजे तक। तो आप कम से कम आप कितने लोगों का अंदाजन मतलब ये शिव भोजन देते? 150 लोगों को आप फ्री में भोजन देते हैं डेली? 225 हो गया अभी, आज से 225 हो गया। अच्छा देखिए, अभी तक ये 150 लोगों को फ्री में भोजन देते थे शिव भोजन, लेकिन आज से 225 लोगों को ये फ्री में भोजन देंगे। जो गरीब है, बेसहारा लोग है, जिनका कोई सहारा नहीं, काम धंधा नहीं है, तो यहाँ पर गोलीबार चौक पे जो शिव भोजन है, यहाँ पर देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर गरीबों को मतलब सहारा दिया जा रहा है, यानी भूखा पेट किसी को रहने नहीं दिया।
और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी काफ़ी लंबी कतार है, और जैसा कि सर जो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से मतलब ये फॉलो किया जा रहा है, जिनको मास्क है आप उन्हीं को दे रहे भोजन, जिसको मास्क पहन रहे उसी को भोजन दे, और जिसको मास्क नहीं है उसको मतलब भोजन पहन के आओ, भोजन लेके जाओ। अच्छा, जैसे इसके अंदर आप देखिए ये बंदा ये सामने का है, ये यहाँ पर ये मास्क पहने हुए है सर, देखो वो बंदे ने मास्क नहीं पहना सर, वो देखो तीसरा बंदा चौथे बंदे ने मास्क नहीं पहना, तो सर जो मास्क नहीं लाएंगे बाहर जाओ, ऐसे जो बंदे उनको आप मतलब भोजन नहीं देंगे सर? नहीं। हाँ, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी सर ख्याल रख रहे हैं, और मतलब जो गरीब है उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं इस लॉकडाउन के इस महामारी के वक्त में सर, तो ये एक सराहनीय कदम है, और मैं तत्काल न्यूज़ की तरफ से आपको सैल्यूट करता हूँ सर। तत्काल न्यूज़ में आपसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। देखिए आइए, यहाँ पर भी देखते हैं हम कि यहाँ पर भी बहुत लंबी कतार है, और यहाँ पर अभी इनका जो संस्थापक है जो ये शिव भोजन चला रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जिसको मास्क नहीं उसको भोजन नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि बिना मास्क के किसी को भोजन नहीं दिया जा रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर देखिए कि थोड़ा बहुत पालन किया जा रहा है, कुछ कुछ लोग हैं जो एकदम डिस्टेंसिंग में खड़े हैं, और कुछ कुछ लोग हैं यहाँ पर जो एकदम मतलब उनको सोशल डिस्टेंसिंग का आज भी मतलब कुछ ख्याल नहीं, उनके दिल में डर और खौफ नहीं है कि महामारी इतनी फैल चुकी है उसके बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को तैयार नहीं है। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए आप कि बहुत करीब करीब में लोग खड़े हैं, बाकी संस्थापक है जो, तो वो अपना क्या क्या ख्याल रखे पब्लिक का, ये पब्लिक का भी काम है कि वो प्रशासन को हेल्प करे और इस महामारी से खुद भी बचे और औरों को भी बचाए। मैं तत्काल न्यूज़ से अब्दुल शेख, नागपुर।